ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। भटिंडा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक लेने वाले हैं अरुण जेटली। हमारे सहयोगी नवनीत वाधवा भटिंडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवनीत, फिलहाल क्या कार्यक्रम है, कितना उत्साह देखा जा रहा है भटिंडा में इतना बड़ा आयोजन? बिल्कुल शरद, बठिंडा में एक बहुत बड़ा आयोजन ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा सकता है, क्योंकि पंजाब सरकार भी लगातार तैयारियां कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली कल यहां पर पहुंच रहे हैं। जो दो साल मोदी सरकार के हुए उसको लेकर के उपलब्धियां दो साल की क्या रही, जो तमाम योजनाएं केंद्र सरकार की हैं उनकी जानकारी लोगों तक, ग्रास रूट तक, जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी कहते आ रहे थे कि जानकारी लोगों तक, उसके बारे में जागरूक लोगों को करने की जरूरत है, तो उसके चलते केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली यहां पर पहुंच रहे हैं। अकाली भाजपा गठबंधन के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो कल यहां पर रहेंगे, उनको तमाम जानकारियां दी जाएंगी। और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक जी के कंधों पर है। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बठिंडा से ही। श्वेत जी, एक बड़ा आयोजन इसको कहा जा सकता है, और तैयारियां किस तरह की, चूंकि एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर। बड़े नेता आ रहे हैं जिनको भाजपा का एनडीए का चाणक्य भी कहा जाता है, विलक्षण प्रतिभा जो है श्रीमान अरुण जेटली जी। सौभाग्य है हमारा कि वो पंजाब की धरती पे आ रहे हैं, क्योंकि पंजाबी हैं। तो मैं बधाई दूंगा बठिंडा में और अमृतसर में जो श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है कि बड़ा जोश है उनमें, क्योंकि जो पिछले दो वर्ष रहे हैं एनडीए सरकार के वो ऐसे ऐतिहासिक वर्ष हैं कि अगर हम पीछे जाएं तो जो कुशासन रहा 10 वर्ष के लिए, मानो देश चरमरा गया था, मानो देश के निवासियों की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। तो अब आप देखिए, भ्रष्टाचार के स्कैंडलों की सूची थी एक पूरी, और आधा मंत्रिमंडल जो है वो जेल यात्रा कर चुका था। तो मोदी जी ने जब उनकी जिम्मेवारी लगी तो उन्होंने एक ही नारा दिया कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगा और मैं देश का गौरव बढ़ाऊंगा। और उनके साथ जो उनके दाहिने हाथ है श्रीमान अरुण जेटली जी, जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो दो साल में जो इस गवर्नमेंट ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अरुण जी के नेतृत्व में जो उपलब्धियाँ हैं, अमित जी के नेतृत्व में, वो उपलब्धियाँ स्वर्णमय हैं कि जितनी योजनाएँ हैं हर वर्ग के लिए, युवा वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, सैनिकों के लिए, किसानों के लिए, लगभग 58 योजनाएं जो हैं वो धरातल पे उतर चुकी हैं। और उसका जो गुणगान है, क्योंकि कारण है कि ये जो माननीय अरुण जेटली जी की विजिट है उसके दो कारण हैं। एक तो जो हमारे वेल विशर हैं, कार्यकर्ता भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, जो एनडीए के समर्थक हैं, उनको ये बताना कि कौन कौन सी उपलब्धियाँ उनकी सरकार की हैं। दूसरा है कि जो वो आने वाले कार्यकर्ताओं का जो एक मार्गदर्शन करेंगे कि कार्यकर्ता ये उपलब्धियां आखिरी आदमी तक पहुंचाने का माध्यम बने, वही श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि आखिरी आदमी बेनिफिशरी को योजनाएं मिलनी चाहिए। तो उसके उपलक्ष्य में ये बठिंडा का कार्यक्रम जो है वो होने वाला है। 11:30 बजे यहाँ ब्लेजिंग स्टार है, तो 10:30 बजे जेटली जी का यहाँ पे कार्यक्रम रहेगा और वो यहाँ पे एक बहुत बड़े पब्लिक मीटिंग को संबोधित करेंगे। तैयारियाँ लगातार की जा रही हैं कई दिनों से, जिला प्रधान मोहित जी भी हैं, उनके उनके ऊपर भी आपने जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थी, तो तैयारियों से आप कितना सेटिस्फाइड? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ जी, क्योंकि यहाँ पे मोहित जी भी हैं, यहाँ पे स्वरूप चंद सिंगला जो उनके अध्यक्ष हैं, मोहित जी हमारे अध्यक्ष हैं, दयाल सिंह सोडी जी भी उनके साथ हैं, हमारे सीनियर डिप्टी मेयर तरसेम जी खड़े हैं, बहन जी हमारे डिप्टी मेयर, इसी तरह वहाँ सिकंदर सिंह मलूका जी जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, स्वरूप चंद सिंगला जी विधायक, और सबसे ऊपर ऑनरेबल जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सुखबीर सिंह बादल जी, और बहन जी हमारे हरसिमरत कौर बादल जी जो यहाँ से सांसद भी हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो सब टीम को निर्देशित कर रहे हैं। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। तो मैं बधाई ये दूंगा कि जो एक जीत का बिगुल है वो भी यहाँ से बज चुका 2017 का, जो 100% हम हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मुकाबला उनसे है कि जो इन फाइटिंग का शिकार है, जो डिवीजन का शिकार है, जिनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है। एक तरफ तो अनार्किस्ट आप वाले बैठे हैं कि जो एक तरह से अनार्किस्ट हैं, जिनका कोई नहीं, एक तरह वो सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ठुकराई हुई कांग्रेस है जो अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है, वो सिर्फ 6% उनका जो वोट बैंक शेयर रह गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये क्लीन स्वीप है, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो एनडीए का,
कि हम पूरी तरह से संगठित भी हैं और एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, तो इससे मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर जो एनडीए है पंजाब के चुनाव 2017 में अग्रेसर है। यहां पर जिम्मेदारी आपके पास है, यहां के कार्यक्रम के बाद जेटली साहब अमृतसर जाने वाले हैं आपकी कार्यस्थली पर, वहां पर भी कई अहम योजनाएं हैं जिनका शुभारंभ वहां पर होना है, वहां पर भी जिम्मेदारियां कहीं आपके पास? ऐसा है जी कि वहां भी एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम होने वाला है कि जेटली जी ने जो अमृतसर को एक देन दी कि देश का 7वां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अमृतसर में उन्होंने दिया है, उसका कल वहाँ पे वो शुभारंभ करने जा रहे हैं, उसका जो नींव पत्थर है वो वहाँ पे रखेंगे। तो वहाँ पे ऑनरेबल CM साहब रहने वाले हैं, बादल साहब, और ऑनरेबल स्मृति ईरानी जी रहने वाले हैं। तो बड़ा भव्य कार्यक्रम है मानावाला के पास, जो परिसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का, वहाँ विशाल रैली भी होने वाली है NDA की, और उसके साथ जेटली जी की देन, उस अमृतसर को 69 करोड़ रुपए का पैकेज दिया उन्होंने जो हेरिटेज सिटी में दिया है। अमृतसर को पहली 100 जो स्मार्ट सिटीज़ हैं उसमें उन्होंने इंक्लूड कराया, और सबसे बड़ी देन जो अमृतसर बठिंडा दोनों को है कि अमृतसर बठिंडा का जो हाईवे है वो भी जेटली जी हमें देकर गए थे। तो मैं आश्वस्त हूँ क्योंकि जेटली जी को पंजाब से बहुत स्नेह है, वो खुद पंजाबी हैं और समय समय पर पंजाब की चिंता भी करते हैं। तो पंजाब तो इस टाइम बहुत आगे बढ़ गया, मैं बधाई दूंगा मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को, उप मुख्यमंत्री सुखबीर जी को, उनकी टीम को, भाजपा के मंत्रियों को कि एक नया पंजाब उदय हुआ था। ये वो पंजाब था जो 9 वर्ष पहले तक टूटी सड़कें, खड्डे, और जहां 6 बजे जबरन मार्केट्स को पावर शॉर्टेज से बंद कराया जाता था और जो दुकान खोलता था उसको अरेस्ट किया जाता था। आज का पंजाब देखिए, आज पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओवर ब्रिजेज हैं, फ्लाईओवर्स हैं, एक्सप्रेस हाईवेज हैं, वी हैव द कनेक्टिविटी टू एवरी विलेज विद द रोड, वी हैव सरप्लस पावर टुडे। आप हैरान होंगे कि आज तो इतनी पावर है हमें अपने थर्मल प्लांट्स बंद रखने पड़ते हैं, डिमांड कम और जनरेशन ज़्यादा है। तो ये वो पंजाब है जो 9 वर्ष के कार्यकाल में NDA ने, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा की जो सरकार है उसने दिया है। तो ये पंजाबवासी जान रहे हैं कि उन्होंने किसको सत्ता जो है आगे चलानी है, कि पंजाब सही मायनों में कैलिफोर्निया से ज्योग्राफिकली जाना जाता था। सुरेश जी, कल के कार्यक्रम का स्केड्यूल क्या रहेगा? अमृतसर का, बठिंडा का ऐसा है जी कि 10:30 बजे जेटली जी यहाँ पे ब्लेजिंग रिजॉर्ट या जो उसमें आएंगे और आके संबोधित करेंगे जो यहाँ पे भाजपा के वेल विशर हैं, उनमें इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, उनमें शिक्षक भी होंगे, उनमें जो ओपिनियन मेकर्स हैं वो भी होंगे, उनमें कार्यकर्ता भी होंगे शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के।